यात्रा निकाली गई। मतदाता जागरूकता के लिए मतदान शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा, एसपी राजेश सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले के दिव्यांगों समेत सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने मतदान की शपथ ली। और अधिक जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं संवाददाता अशोक भाटी के साथ, जो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, बताएं क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, मतदाताओं को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक तरफ जो है जनप्रतिनिधि एक एक वोट के लिए जो है चक्कर लगा रहे हैं, वहीं जिला निर्वाचन विभाग एक एक मतदाता को जागरूक कर रहा है और उनसे अपील कर रहा है कि वह बूथ पर जाएं 7 तारीख को और मतदान करें। हमारे साथ इस वक्त जो है कलेक्टर मैडम मौजूद हैं, खुद उनसे जानकारी चाहेंगे। आज एक रिकॉर्ड भी बनाया गया है, मैम किस तरह का रिकॉर्ड है और क्या मैसेज है आज? क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज है, तो उसको हमने जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जेक्टिव है एक्सेसिबल इलेक्शंस का, उसके साथ जोड़ते हुए एक वॉकेथॉन किया और 11 बजे अजमेर के समस्त 1966 बूथ्स पे जितने भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उन्होंने वहां जाकर एक शपथ ली कि 7 दिसंबर को वो आवश्यक रूप से अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड आज दर्ज हुआ है। जैसा कि मैम कह रही है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस नाम को दर्ज किया गया है। हमारे साथ स्वीप कार्यक्रम के अधिकारी, उनसे भी बात करेंगे, किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं लगातार? हमारा एक ही मैसेज है कि जो भी हमारा रजिस्टर्ड वोटर है वो अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करे, और खासकर जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं वो अवश्य वोट करें, सोसाइटी के जो अन्य लोग हैं वो उनकी हेल्प करें, और वो भी सुनिश्चित करें कि जो दिव्यांगजन है वो हमारे सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जुड़े और उनका वोटिंग परसेंटेज भी 100% रहे। जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं कि 100% जो है वोटिंग परसेंटेज अजमेर में मौजूद रहे और लोग जो है वोट करने पहुंचे, इसी को लेकर लगातार जो है मतदाताओं के बीच में जाया जा रहा है और लगातार उनसे चर्चाएं की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान करकर एक रिकॉर्ड यहां पर अजमेर में बनाया जाए। जी बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपके पीछे और भी लोग मौजूद हैं, मेरी दरखास्त है आपसे कि आप जाएं, उनसे बातचीत करें और उनके एक्सपीरियंस को भी सामने लाएं। जी बिल्कुल, हमारे पीछे जो है दिव्यांग जन के साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं उनके पास हम जाते हैं। दिव्यांग यहाँ बड़ी संख्या में हैं, करीब जिले में 21,000 जो है दिव्यांग मौजूद हैं जिनको आज शपथ दिलाई गई है। हमारे साथ दिव्यांग खुद मौजूद हैं, किस तरह का आज कार्यक्रम रहा और क्या मैसेज देंगे? बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और हम यही संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों की, आप निष्पक्ष होकर मतदान करें, किसी का डर के मारे नहीं करें, ये अपना अधिकार है, हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। छोटी छोटी हमारी जो निजी आवश्यकताओं को ध्यान में न रखते हुए हमें मतदान अवश्य करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। आपने मतदान किया? आपने मतदान किया अभी तक और लगातार करते हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, हमने मतदान किया है और भी करेंगे, और साथ में आसपास के क्षेत्र में जो भी विकलांग या दिव्यांग रहेगा उसको भी वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे और सबसे पहले करेंगे। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि लगातार जो है मतदाताओं को प्रेरित करेंगे मतदान के लिए। बिल्कुल अशोक, साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर बताया आपने कि बच्चे भी मौजूद हैं, तो बच्चे इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं और उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है ये भी जानना चाहेंगे। संपर्क हमारा यहां पर टूटा है, लेकिन फिलहाल ये मतदान जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, दिव्यांग जन यहां पर पहुंचे हुए हैं, अपने आप में खास कार्यक्रम। अशोक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।